नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। ये स्पर्म बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेल गोनेट्स हैं जो स्पर्मेटिक कॉर्ड्स के द्वारा स्क्रोटम में लटकी हुई रहती हैं। ये संख्या में दो होती हैं, अंडाकार आकृति की होती हैं, 1.5 इंच लंबी और 1 इंच चौड़ी होती हैं। एडल्ट वेट 10 से 15 ग्राम इनका वजन होता है। इसमें दो पोल पाए जाते हैं, अपर पोल और लोअर पोल, दो बॉर्डर एंटीरियर पोस्टीरियर, दो सरफेस मीडियल और लेटरल। इसमें बाहर से अंदर की ओर लेयर्स पाई जाती हैं, जिनको ट्यूनिका वेजाइनेलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। इसके ग्लैंडुलर वाले पार्ट में लोब्यूल्स पाए जाते हैं, जिसके अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। भ्रूणी विकास के दौरान इन ग्वाइनल कैनाल के रास्ते से स्क्रोटम में ये आते हैं। ब्लड सप्लाई टेस्टिकुलर आर्टरी, ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल आर्टरी और पैम्पनीफॉर्म प्लेक्सस।